ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 27 दिसंबर 2023 की रात्रि में 11:40 पर मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 4 फरवरी 2024 तक मंगल धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है और इसका देश काल वातावरण के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल कैसा प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मंगल किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या सफलता प्रदान कर सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम धनु राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल को साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, रोग और खून का, सौतेली मां का, पुलिस फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। कुंडली पर मंगल अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि प्राप्त होती है। मंगल के बलि होने पर जातक अधिक उम्र का होने के बावजूद भी कम उम्र का दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की प्रधानता, लीडरशिप क्षमता देखने के लिए मिलती है। मंगल बलवान हो, विपरीत परिस्थितियों में जोखिम भरे काम को ऐसा व्यक्ति आसानी से करता हुआ नजर आता है। वही मंगल के बलि होने पर खेल, सेना, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ क्षेत्र, रसायन शास्त्र, मेडिकल फील्ड, सर्जरी का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि और सफलता प्राप्त होती है। वही मंगल के जन्म कुंडली पर पीड़ित होने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मंगल पीड़ित हो जाए, अल्सर, मलेरिया की बीमारी, फोड़े फुंसी की समस्या, ब्लड जनित बीमारी, बीपी की समस्या शरीर में होती है, वहीं मंगल के पीड़ित होने पर जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमेबाजी लगी रहती है और अगर जन्म कुंडली पर मंगल के द्वारा मांगलिक दोष का निर्माण हो जाए, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। धनु राशि वाले जातकों, मंगल आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके पंचम भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। 27 दिसंबर 2023 को मंगल आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। कुंडली के प्रथम भाव से आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, व्यक्तित्व, चरित्र के बारे में विचार करते हैं। मंगल आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सुख भाव को देखने वाले हैं। सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। अष्टम दृष्टि से आपके आयु भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो मंगल का यह परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता और बदलाव को देने वाला है। सबसे पहले प्रथम भाव पर मंगल के प्रभावी होने से आपके मन में उत्साह,
लीडरशिप क्षमता देखने के लिए मिलेगी, आत्मविश्वास देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप काम कर रहे हैं उसमें जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। आजीविका के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में है, रसायन शास्त्र, जेलर, बावर्ची, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन करते हैं, फायर ब्रिगेड के क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में धनु राशि वाले जातकों को विशेष उपलब्धि, सफलता मिलने वाली है। मंगल के प्रभाव से धनु राशि के ऐसे जातक, अविवाहित जातक जो हैं उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव देखने के लिए मिल सकता है। आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव के आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मंगल के ही प्रभाव से इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव से डेली वेजेस की इनकम के बारे में विचार करते हैं, अचानक आपके धन में वृद्धि की संभावना धनु राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ शिक्षा के लिए यह समय काफी बेहतर रहेगा। मंगल के प्रभाव से आपके विद्यार्थियों के लिए यह समय मनोवांछित सफलता की संभावना निर्मित कर रहा है। मंगल के प्रभाव से धनु राशि वाले जातक भूमि, भवन, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। कुछ विशेष सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। मंगल का संबंध आपके अष्टम भाव से बन रहा है। सेहत के मामले में आपको अलर्ट होकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में ससुराल पक्ष से धनु राशि वाले जातकों को व्यर्थ के वाद विवाद की संभावना बन सकती है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का जीवन में प्रयोग करना चाहिए। कटु शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। वाद विवाद से आपको जीवन में बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी यदि आपका जुड़ाव है अपने दाम्पत्य साथी के साथ, इस समयावधि में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिल सकता है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल जनित शुभता को अर्जित करने के लिए मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में यदि आप जरूरतमंद लोगों में गेहूं, गुड़, तांबा, मसूर, देसी घी, इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं, स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाली है। मंगल जनित शुभता को अर्जित करने के लिए छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।